Hi and welcome. So as you can see with the getup, it's like extremely traditional and Indian, and it was obviously my Eid makeup, but I could not put an Eid makeup up on my channel, so this is how I got ready today. Today is Eid and I thought I'll at least record this and put it out there. तो मैंने सोचा ईद का मेकअप तो मैं नहीं डाल पाई, तो एटलीस्ट मैं जो रेडी हो रही हूँ वो मेकअप डालती हूँ. सो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. मैं आपको पूरे ड्रेस का फोटो डाल के वीडियो में बता दूंगी ये कैसा दिख रहा है कैसा नहीं. राइट नाउ दिस इज द होल प्रिंट एंड दिस इज हाउ इट लुक. दिस इज द आई लुक, ग्रे एंड ऑरेंज. इट्स अ बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है बट मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आई लाइनर तो लगाती हूँ नहीं, तो इसीलिए मैंने आई लाइनर नहीं लगाया. अगर आप लाइनर लगाओगे तो ये लुक और अच्छा हो जाएगा. ये मेरी मेहंदी है, मैं सारी चीज़ों का फोटो डाल दूंगी ताकि आप इसको देख सको. आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक. आई होप आपकी ईद और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गया हो. एंड इफ़ यू हैव एनी वीडियो रिक्वेस्ट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक इट फॉर यू गाइस. बाय. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. मेरे मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में से मैं ग्रे कलर पिक करके पहले अपने पूरे आई पे एक फ्लैट शेडर ब्रश से अप्लाई करने वाली हूँ. आई एम प्लानिंग कि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ बिकॉज माई फ्रेंड्स कीप आस्किंग मी हाउ मच टाइम डज इट टेक एंड ऑल ऑफ दैट. कुछ लोग बोलते हैं यार तू कितना ब्लेंड करती रहती है, प्लीज़ बंद कर, बस हो गया है. बट आई वॉन्ट शो यू गाइज कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है. ऑब्वियसली जब मैंने वो किया तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन गया था, तो मैंने एडिट्स किए हैं बट मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाली हूँ. सो As you saw, I applied some powder on the lower lid because बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो रहा था और मुझे अपना ऑलरेडी जो मेकअप किया हुआ था बेस वो ख़राब नहीं करना था. देन टेकिंग अ स्मॉलर ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, मैं उस आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ. अब ये पार्ट फास्ट फॉरवर्डेड है बट मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि अगर आप ब्लेंड नहीं करो सही से तो डिफरेंस कैसा लगता है. और बहुत अजीब, एक्चुअली मुझे तो बहुत गंदा लगता है बट आप खुद ही देखो और बताओ. डू यू सी दैट, लाइक ओ माई गॉड. ओके, सो ब्लेंडिंग में यूजुअली आपका जो बेस कलर होता है वो बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाता है. सो आई एम गोइंग बैक एंड डूइंग इट अगेन एंड देयर आई एम, दोनों आँखें ब्लेंड हो गई. अब यूजिंग द लाइटर कलर एंड द डार्कर ऑरेंज कलर आई एम गोइंग टू पुट इट इनसाइड. तो लाइट कलर जो है वो इनर कॉर्नर के एकदम पास जाने वाला है और डार्कर कलर जो है वो लिड के ऊपर जाने वाला है प्रॉपरली. बट उसको हम आगे आफ्टर ब्लेंडिंग एंड ऑल शिमर से कवर करने वाले हैं. नाउ आई जम्प्ड राइट इन टू द हाईलाइटर बट एज यू कैन सी मुझे वो हाईलाइटर बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उसको उसी ब्रश से काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड किया है. बट आई वॉन्ट टू गो इन विद अ प्रॉपर सिल्वर हाईलाइटर क्योंकि वो ग्रे के साथ बहुत अच्छा लगता है. आप एंड में जब पूरा फेस देखोगे तब आपको पता चलेगा. और क्योंकि मैं हाईलाइटर पे ही थी मैंने सोचा बाकी के फेस को भी कर लेते हैं. सो नोज़ एंड लिप्स, यू नो आई एम क्रेज़ी, मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना बहुत पसंद है एक्सेप्ट फॉर द चीक्स. आई डोंट नो वाई सारे लोगों को चीक हाईलाइट करना पसंद है, मुझे चीक छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हाईलाइट करना बहुत पसंद है. एनीवे ऑब्वियसली हाईलाइटर को और क्रीज कलर को एक साथ ब्लेंड करने के लिए आई एम गोइंग बैक इन एंड आउट देन अगेन गोइंग बैक टू हाईलाइटर. आई मीन यू नो द ड्रिल बट या डू यू सी दैट क्यूपिड्स बो, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. नाउ टेकिंग अ फैन ब्रश आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द डस्टिंग पाउडर जो मैंने नीचे रखा था एंड गोइंग इन माई सिवाना कलर पैलेट आई एम गोइंग टू कंटोर द शिट आउट ऑफ माई फेस. यू विल सी आई एम कंटोरिंग माई नोज, आई एम कंटोरिंग माई जॉ लाइन. आई लव टू कंटोर एज मच एज आई लाइक टू हाईलाइट. आई लव 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 टू कंटोर डेली बेसिस पर. एक बार मैं हाईलाइट नहीं करूँगी बट मैं कंटोर करना बहुत पसंद करती हूँ. यू विल सी वाई, इट जस्ट चेंजेस माई फेस. देन कम्स ब्लश, बिकॉज मैं सिवाना का ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ. मैं हाईलाइटर नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज इसके अंदर का जो ब्लश है वो एक्चुअली इतना ज़्यादा शिमरी है कि वो हाईलाइट और ब्लश दोनों का काम कर देता है. मैं अभी भी अच्छा एक ब्लश तो ढूंढ ही रही हूँ बट मुझे फॉर द टाइम से एक मेरे नेकेड के पैलेट में से एक पिंक और पर्पल का
कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नाउ टेकिंग सम हाईलाइटर ऑन दी अदर पार्ट्स ऑफ माई फेस, यू विल सी कैसा मेरा फेस जो रूखा सूखा सा लग रहा था, बड़ा पाउडरी लग रहा था, वो अचानक से कितना नाइस एंड शाइनी एंड ग्लोई लगता है. दिस इज़ वाई आई लाइक हाईलाइटिंग. टडा, रिमेंबर द शिमर आई वॉज टॉकिंग अबाउट? वेल, ये वो वाला शिमर है. अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजिंग वीडियो में देखोगे तो मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की है कि कैसे ये बहुत लोकल सा है. आई मीन 100-150 रुपये का कुछ पूरा पैकेट था जिसमें 12-15 शिमरी कलर्स थे, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसको ग्लू नहीं लगाना पड़ता, ये डायरेक्टली आई शेडो की तरह लग जाता है और रियल में ये बहुत खूबसूरत लगता है. प्लस इसका ये जो ब्रश एंड है उससे देखो, बिना किसी ब्रश को यूज़ किए मैं आराम से ब्लेंड कर पा रही हूँ. देन कम्स माई फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड, मस्कारा. मैं इसको ना फास्ट फॉरवर्ड, एक्चुअली मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ बट मैं इसको ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप देखो कि मैं 15,000 कोट्स लगाती हूँ. येस, बट इट गिव्स माई आईज़ द लुक ऑफ फेक लैशेज. आई एम नॉट किडिंग यू गाइज. सी हाउ आई लव टू शो ऑफ द डिफरेंस इन लैशेज इन ऑल माई वीडियोज. Obviously the next step is to put the same colors on lower lashes. और जब से मैंने ये करना start किया है, I realize कि पूरा eye shadow कैसे in place और बहुत अच्छा लगता है. पहले अगर आप देखते होगे मेरे videos, तो पहले मैं lower lashes पे बिल्कुल ये नहीं लगाती थी, but जब से मैंने लगाना start किया है, I've started loving it. Then comes inner corner highlight, but again I'm not going crazy because पूरा eye makeup इतना beautiful है कि मुझे inner corner को बहुत ज़्यादा highlight करने की ज़रूरत नहीं है. So I'm just putting enough to open my eyes up and not going crazy with it. And at last, यार कुछ lip liners होते हैं जिसको आप इतने addictive हो जाते हो कि बिना उसके like उसके सिवा आपको और कुछ दिखता ही नहीं है. जब से मैंने ये हुदा वाला ट्रेंड सेटर का यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैं और कोई लिप लाइनर नहीं यूज़ करती हूँ. इट्स क्रेजी. बट इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड माई प्रीवियस वीडियो जो था ओम्ब्रे लिप्स, तो आप यहाँ पे उसका छोटू मिनी माइनी ट्यूटोरियल देख लो, आपको पता चलेगा कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाया है. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस लिप लाइनर से मैं अपने पूरे लिप्स को लाइन करती हूँ और फिल करती हूँ. बट इसके बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता है, बट एज सून एज आई पुट द अदर कलर विच इज़ पिंक, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं और एक पिंक कलर लगाती हूँ, और जब मैं अपने उंगली से और उस कलर से मतलब प्रॉपरली उसको ब्लेंड करती हूँ, तो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, लाइक इमिडिएटली कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. आई लव 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 ओम्ब्रे लिप्स. आपको डेफिनेटली जाके मेरा वो वीडियो देखना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू लुक यंग इन 2 seconds. विद मेकअप, मैंने अपने हेयर स्ट्रेट किए, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी पहनी, थोड़ी सी नौटंकी की वीडियो में डिसाइड किया कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, और थोड़ी सी नौटंकी की विद दुपट्टा एंड ऑल, एंड फाइनली आई वॉज डन. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, ऑफ कोर्स गिव इट अ ह्यूज 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 थम्स अप, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट. बाय.